Give me a kiss. Nice kiss. कहाँ जा रही हो? अरे किसी को कुछ नहीं दिखेगा। एक बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बोल सकती हो और दूसरी बार दबाने का मतलब कि अब तुम बिल्कुल नहीं बोल सकती। अरे? चुप। अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। पता है मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पास होगी और मैं तुम्हें किस करूंगा। प्रज्ञा, जब बेटी की शादी होती है ना तो माँ माँ के साथ साथ सहेली भी बन जाती है। तुझे पता है गुस्से को बस एक ही बात से जीता जा सकता है, वो है प्यार। वैसे भी सब पति ऐसे ही होते हैं, उनकी तो नाक पर गुस्सा रहता है, लेकिन जैसी पत्नी उनके करीब जाती है ना तो गुस्सा छूमंतर हो जाता है। बस वही समय है कि पत्नी उनके पास जा सके, उन्हें प्यार कर सके, उन्हें काबू में कर सके। तू वादा कर, जब कभी भी अभी तेरे करीब आएगा ना तो तू उसे पीछे नहीं हटाएगी और ना ही खुद पीछे हटेगी। बेटा, पति पत्नी जितने करीब रहे उतना अच्छा, क्योंकि उनके बीच फिर गलतफहमी की जगह ही नहीं बचती है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तुमने उसके किया ना तुमने ये सब? चुप मत बोलो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि वहां पर मैं और तनु बैठे हुए, और तुमने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वहां पर आई थी ना। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम जानबूझकर वहां पर बैठ गई। अंधेरे में वही टेबल दिखी तुम्हें, किसी भी कुर्सी पर आकर बैठ जाओगी तुम। अगर मेरे बदले वहां पर कोई और होता तो? ये मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, तो बोलती क्यों नहीं? तुम पागल हो गए, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी शानी हो तुम, जब बात तुम्हारे फायदे की आती है तब जाकर तुम मेरी बात सुनती हो। थोड़ी अकल इस्तेमाल की होती, जो इंसान तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? और अगर वहां पर तन्नू नहीं आती तो क्या तुम मुझे किस करने देती? नहीं, नहीं बोलती? नहीं, किस नहीं करने देती? तो जिस तरह अभी तुमने अपना मुंह खोला उस वक्त नहीं खोल सकती थी? अरे तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया और तनु का मूड ऑफ हो गया। तनु को छोड़ो, मेरा मूड ऑफ हो गया। बड़ी मुश्किल से तुमसे छुटकारा मिला था, क्या करूं मैं तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। काश तुम ये सेब होती तो तुम्हारे टुकड़े करने में मजा आता। मेरी माँ मुझे यहां मिल गई हो, प्लीज ऊपर मत मिलना, कहीं एक जगह पर तो सुकून से रहने देना। तुम्हारे बिना तो नर्क भी स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। तुम्हारी वजह से तनु मुझसे नाराज हो गई है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, फिर चाहे तुम्हें चोट लगे, डर लगे, गर्मी लगे, सर्दी लगे, आई डोंट केयर, तुम मेरे सामने नहीं आओगी। और अगर तुम मेरे सामने आई ना तो पहले मैं तुम्हें छीलूंगा और उसके बाद काटूंगा। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस। सीरियस? मैं तनु के बारे में तो भूल ही गया, मुझे तनु को मनाना होगा। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब गलती की थी तो सजा मिलेगी ही ना। जब वो पास आ रहे थे तो मैंने रोका क्यों नहीं, जबकि मैं जानती हूं कि वो मेरे पति होकर भी मेरे नहीं, फिर क्यों मैंने? हाय, I'm sorry, baby. Hey, sweetheart, देखो मैं खास करके तुम्हारे लिए आया हूँ। I'm here just for you. अब तुम अब तक गुस्सा हो मुझसे? I'm here now. अब मैं बताओ क्या करूं? You want me to? Do you want full Monty? No? Got an idea? How about this?
How about some tea for cutie? ये नहीं होगा मुझसे, मनाना बनाना ये सब मेरे पास की बात नहीं है। अब सोच सोच के दिमाग की दही हो गया कि कोई आइडिया है, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है सिवाय एक आइडिया के। तुम आ जाओ ना मेरे पास। How about cool down, baby? Come on. वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है हम दोनों को एक साथ बिताने के लिए। अगर यही टाइम रूठने मनाने में निकल जाएगा तो फिर हम प्यार कब करेंगे? वैसे चश्मिश ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, तुम भी मुझे टॉर्चर मत करो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। What will I do? I kiss you. It's so cute. I am. मुझसे अच्छा तो मैं कोई और नहीं जान सकता। I know. तुम्हें मनाना नहीं आता, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही थी। तुम नाटक कर रही थी? देख रही थी कि तुम मेरे लिए कितना फेक हो। But promise me, आज रात तुम यहीं रहो मेरे साथ। इसमें प्रॉमिस करने वाली कौन सी बात? आज रात क्या, मैं पूरे ट्रिप तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर पूरा टाइम साथ रहेंगे तो काम कब करेंगे? जब तुम मुझे इस काम से फ्री करोगी तो मैं वो काम भी कर लूंगा। यू नो व्हाट? व्हाट? तुम्हारे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए मैंने एक स्पेशल रैंप बॉक्स सोचा। हम ऐसे रैंप में वॉक करेंगे और फिर मैं जानबूझ के रैंप के किनारे चलूंगी और फिर मैं किनारे में जानबूझ के वॉक करना शुरू कर दूंगी और फिर मैं ऐसे गिरने का नाटक करूंगी। केयरफुल। एग्जैक्टली। और तुम झट से मुझे अपनी बाहों में ले ले। एग्जैक्टली वैसे जैसे रब ने बना दी जोड़ी में था। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें रब ने बना दी जोड़ी की तरह बाहों में लेने के बाद मर्डर फिल्म की तरह एक पप्पी पकड़ा दूंगा। हाउ वुड दैट बी? साउंड्स गुड। मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है ये दिन, तो मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी बेटा। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है तूने। तू खुश है ना? तो मैं भी खुश। लेकिन ना मुझे तेरी आवाज में वो खुशी नजर नहीं आ रही है। सब ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं माँ, वो प्रज्ञा आइसक्रीम खा लिया था ना, तो इसलिए गला बैठ गया। आप जानती है ना वो। आप ये सब छोड़िए, आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ओ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। वैसे भी तू वहां सिर्फ अभी को संभाल, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। और वैसे भी हॉल को तो मैंने कुछ भी नहीं होने देना है, मैंने हॉल को अच्छे से संभाल लेना है। और हॉल को क्या हुआ? हॉल को माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ हॉल को? कुछ भी नहीं हुआ। अरे हॉल को क्या होना है, वो तुझे तो पता ही है ना, पिछली बार गेट टूट गया था तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार नया गेट बना लूं। और झालरे वगैरह भी अरे नहीं लेने वाली हूँ, और डेकोरेशन का सामान भी ना इस बार नया लेना है। वो क्या है ना, लोग बोलते हैं कि वो अच्छे वाली डेकोरेशन कराओ, तो बस यही सब। और शादी का सीजन है, बुकिंग भी बहुत सारी बढ़ गई है। इतने सालों से तो मेरी प्रज्ञा मेरी मदद करती थी, मुझे चिल्लाना ही नहीं पड़ता था वर्करों पे, मेरी आवाज ही नहीं बैठती थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने अकेले सब संभाल लेना है। अकेले क्यों करे क्या? बोल। अब तक नाराज है उससे या गुस्सा कम हुआ? अच्छा जानती हूँ, आप अपना वक्त लीजिए, लेकिन मेरी तो बात करवा दीजिए उससे। वो तो बाहर गई हुई है किसी काम से, वो जैसी आएगी ना मैं उसे बोल दूंगी कि वो तेरे को फोन करके तेरे से बात कर लेगी। तू मेरी अभी से बात करा दे। उस समय भी वो उस दिन ऐसी नाराज होके चला गया ना, एक बार बात कर लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। माँ वो इनकी दरअसल एक मीटिंग थी प्रोड्यूसर के साथ ना, तो वो नीचे लॉबी में गए। और अब आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। काम करने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम ही नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में सो ही जाती हूँ, तू भी अब आराम कर ले। हाँ फोन करती रहना बेटा, और हमेशा खुश रहना। चल बाय। रखती हूँ। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, लेकिन मैं तुझे कैसे बताती, कितने दिनों बाद तू तेरे जीवन में खुशियां आई है, और अभी के बीच में सब ठीक होने लगे तो
मैं तुझे कैसे बताती? मैं नहीं चाहती कि हमारी मुसीबतों का साया भी तेरे और अभी के बीच में पड़े। मुझे माफ करते पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।